Hey friends, welcome back to my channel. This is Neha Patel, and yes guys, आज का video is going to be super super exciting and super super fun because आज के video में हम कुछ वो study routine, study plan and nothing regarding to study ऐसा कुछ नहीं देखने वाले. आज के video में we are going to look about the aspects of company secretary course, the possibilities of company secretary course because I wanted to know what I did like. अक्सर लोग क्या करते हैं ना, गूगल पर सर्च करते हैं अपने फेमस सेलिब्रिटीज के बारे में. शाहरुख खान हो गया या स्पोर्ट्समैन विराट कोहली हो गया या अनन्या पांडे, आलिया भट्ट वगैरह वगैरह. बट व्हाट आई डिड इज आई सर्च्ड अबाउट कंपनी सेक्रेटरी एंड आई वाज अमेज्ड बाय द रिजल्ट्स. लाइक देर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू कंपनी सेक्रेटरी कोर्स विच आई रियली वॉन्टेड टू शेयर इट विद यू ऑल बिकॉज वो सब क्वेश्चंस काफी अमेज्ड थे एंड उसके आंसर्स ठीक है वो भी ज्यादा शॉकिंग थे मेरे लिए. मैंने कोरा ऐप है उसमें सर्च किया कंपनी सेक्रेटरी एंड देर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल बिकॉज इससे आपको भी काफी नॉलेज मिलेगा कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के बारे में. ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारी चीजें पता चलने वाली है सीएस कोर्स के बारे में, सच एज सीएस का डिमांड, सीएस का सैलरी, सीएस का रोल, सीएस की पॉसिबिलिटीज वगैरह वगैरह. आई थिंक दैट यू आपको आइडिया आ गया होगा कि क्या हम वीडियो में करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Guys, first question of Quora is, how is life after becoming company secretary? It's amazing. लग रहा है कि मतलब flower ही flower है सब जगह. Literally जब मैं ऐसा बोलती हूँ because we are independent, right? आप CS बन जाते हो उसके बाद आप independent हो जाते हो. मतलब जो मैं बचपन में सोचती थी कि यार ये जगह पे तो सिर्फ अमीर लोग जाते हैं, ये चीजें सिर्फ अमीर लोग खरीदते हैं, वहाँ आजकल मैं daily जाती हूँ, वो आजकल मैं फ्रीक्वेंट खरीदती हूँ. सो वो मेरे लिए नॉर्मल हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोर्स. इस कोर्स की वजह से मैं इंडिपेंडेंट बनी हूँ. एंड सेकेंड चीज है, मैं बचपन में सोचा करती थी कि यार काश मैं कंपनी में बहुत अच्छी पोजीशन में जाऊँ, मैं बोर्ड मीटिंग अटेंड करूँ, मेरी वैल्यू हो. वो सब चीजें मुझे इस कोर्स ने दी है और वो सब चीजें मैं आज जी रही हूँ. कोई मुझसे पूछता है कि व्हाट आर यू डूइंग, तो मैं ऐसा कि मैं कुछ कर नहीं रही, मैं बन चुकी हूँ कंपनी सेक्रेटरी. आई एम ऑलरेडी अ कंपनी सेक्रेटरी. सो वो बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि बन चुकी हूँ मैं सीएस एंड यस आई एम अ सीएस. बहुत रिस्पेक्ट मिलता है वो सब के बाद, आपका इंप्रेशन ही अलग हो जाता है. शादी वादी के रिश्ते भी देखने जाओगे तो आप बोलोगे मैं सीएस हूँ तो उधर भी हो जाओगे सिलेक्ट. सो यस, जोक्स अपार्ट, बट यस, लाइफ आफ्टर बिकमिंग कंपनी सेक्रेटरी इज अमेजिंग. पर्सनल स्ट्रगल्स तो सबके रहते हैं, कुछ अपना पर्सनल कुछ हो गया बुरा वो तो रहने ही वाला है, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, फाइनेंशियली एंड करियर वाइज सीएस इज द बेस्ट ऑप्शन जो मैंने सिलेक्ट किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू सेटिस्फाइड विद कंपनी सेक्रेटरी वर्क? यस, फॉर द टाइम बीइंग आई एम सेटिस्फाइड. जो मुझे चाहिए था वही मैं कर रही हूँ, तो यस आई एम. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सम गुड ऑनलाइन सीएस कोचिंग क्लासेस? तो ये तो गाइज आप लोग ही बता दो बिकॉज मैंने ऑनलाइन क्लासेस नहीं करी हुई है, मैंने ऑफलाइन क्लासेस करी हुई थी. तो अगर आपको कुछ भी गुड ऑनलाइन क्लास पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हार्श ट्रुथ ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी? सो दिस वन इज लिटिल नेगेटिव. नेगेटिव नहीं, थोड़ा एक्सपोजिंग हो जाएगा. सो फर्स्ट थिंग इज, देखो मैंने ऐसे एक्सपीरियंस किया है एंड आई एम वेरी मच श्योर काफी सारे सीएस ने ऐसे एक्सपीरियंस किया होगा. सो ऑब्वियसली ये बड़े बड़े लिस्टेड कंपनीज में अप्लाई नहीं करता, बट ये प्राइवेट कंपनीज या छोटी मोटी कंपनीज में करता है कि आप लोग अगर एज ए सीएस जाते हो तो दे डोंट रिस्पेक्ट यू दैट मच बिकॉज दे डोंट नो द वैल्यू ऑफ अ सीएस. उनको लगता है सीएस क्या करता है, खाली मीटिंग करवाता है, खाली बीआर बनाता है, बोर्ड रेजोल्यूशंस बनाता है, वही तो करता है. सो उस लेवल का रिस्पेक्ट आपको नहीं मिलता जितना सीएफओ को या फिनेंस टीम को मिलता है. ये एक हार्श ट्रुथ लगा मुझे. एंड सेकेंड चीज ये है कि मार्केट में ना बहुत सारे जॉब आपको अंडर वैल्यू पे करते हैं, लाइक बहुत कम पे करते हैं. अगर आप भोले हो तो आप वो कम पे में काम करने लग जाओगे. सो यू हैव टू स्मार्ट एंड यू हैव टू डिमांड योर मनी, तब जाके आपको अच्छा पे मिलता है. ठीक है, सो इससे मुझे याद आया कि तो गाइस क्या आपने री लेवल के बारे में सुना है? बिकॉज री लेवल आपको अपॉर्चुनिटी देता है इंडिया के बड़े बड़े कंपनीज के साथ काम करने का, नॉट बेसिस ऑफ योर बैकग्राउंड योर एक्सपीरियंस बट बेसिस ऑफ योर स्किल्स. ठीक है, सो री लेवल ने री लेवल सिलेक्ट करके एक प्रोग्राम इवेंट लॉन्च किया है. 5 दिन का इवेंट है जहां पे आपको मौका मिल सकता है इंडिया के बड़े बड़े कंपनीज के साथ काम करना एट अ वेरी ग्रेट पैकेज. सो ऑल यू हैव टू डू इज आपको बुक करना पड़ेगा टेस्ट स्लॉट. फ्री टेस्ट स्लॉट है जो
10th ऑफ जुलाई तक ही है। यहाँ पे खास बात है कि यहाँ पे आपको अगर आप विन करते हो टेस्ट तो आपको एप्पल गुडीज मिल सकती है लाइक आईफोन मैकबुक एटसेट्रा, प्लस जो टॉपर होगा उसको अमेजोन के वाउचर्स भी मिलेंगे 30,000 तक। मैं ही जाके टेस्ट पे यार स्लॉट बुक कर रही हूँ, 30,000 तक का फ्री अमेजोन वाउचर मिल सकता है। प्लस टॉप 100 विनर्स को गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट मिलेगा फ्रॉम NSDC। री लेवल ने इंट्रोड्यूस किया है एक नया टेस्ट फॉर कंटेंट राइटिंग एज वेल। इसका मतलब ये है कि री लेवल सिलेक्ट इज नाउ अवेलेबल इन 19 डिफरेंट कैटेगरीज सच एज सेल्स, प्रोग्रामिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, HR, एनालिटिक्स एक्सेट्रा। री लेवल आपकी जिंदगी चेंज कर सकता है सीरियसली, जैसे उन्होंने तेज की जिंदगी चेंज की है, सैयद की चेंज की है एंड वत्सल। सो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ, आपको बस अपना टेस्ट स्लॉट बुक कर देना है। जाओ जल्दी से टेस्ट स्लॉट बुक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिफिकल्ट इज इट टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी। आई थिंक इट इज डिफिकल्ट एंड इट इज नॉट डिफिकल्ट। नॉट डिफिकल्ट फॉर दोज जिसको पता है कि इसको कैसे टैकल करना है। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको पता चल गया होगा कि कंपनी सेक्रेटरी कोर्स टफ नहीं है, वास्ट है, तो रिवीजन बहुत बार करना पड़ेगा। तो जो स्मार्ट है, जो डेडिकेटेड है, जिसमें पैशन है, उसके लिए कोर्स डिफिकल्ट नहीं है। वो दिन रात पढ़ेगा, रिवाइज करेगा, वो एक अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। बट जो बस दिन रात गधों की तरह पढ़ता जा रहा है, जिसको नहीं पता स्टडी टेक्निक्स कुछ भी, या तो जो कुछ डेडिकेटेड ही नहीं है, उसके लिए ऑब्वियसली डिफिकल्ट है। और ये लोग ही होते हैं जो बाहर जाके अपने CS का नाम बदनाम करते हैं कि यार CS अच्छा कोर्स नहीं है, CS बहुत टफ है वगैरह वगैरह। बट इट्स नॉट टफ, इट्स वास्ट। ठीक है, अगर आपको सही टेक्निक्स पता है तो आप इजिली क्लियर कर सकते हो। सो मैं बोलूंगी कि ये डिपेंड करेगा आपके एफर्ट्स पे एंड आपके डेडिकेशन पे। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड, विच इज मोस्ट आस्क क्वेश्चंस, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड सैलरी ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। मेरे को बहुत सारे लोगों ने पूछा ये, कोरा पे भी मोस्ट आस्क क्वेश्चन यही था कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड सैलरी। सो मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया भी है, यहाँ पे भी मैं बताती हूँ कि इफ यू आर अ फ्रेशर, इट डिपेंड्स आप कौन से कंपनी में कर रहे हो और क्या आप कंपनी में कर रहे हो कि फर्म में कर रहे हो। ठीक है, कंपनी में करोगे तो पे ज्यादा रहेगा। फॉर इंस्टेंस स्टार्टिंग होता है 35,000 पर मंथ से लेके 80,000 पर मंथ तक। डिपेंड अपन आप कौन सी कंपनी में जा रहे हो। आप छोटी प्राइवेट कंपनी में जाओगे तो आपका 35,000 to 40,000 रहेगा। अच्छी लिस्टेड एंटिटी में जा रहे हो तो आपका 80,000 पर मंथ भी रह सकता है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपका 1 lakh पर मंथ हो जाएगा, 2 lakh पर मंथ हो जाएगा। एंड अगर आप अल्टीमेट मेन हेड बन जाती हो कंपनी सेक्रेटरी का, तो आपका करोड़ों में सैलरी जाता है। सो यस, आई होप आपका आंसर क्लियर हुआ हो। ऑल्सो ट्रेनी हो तो 15,000 स्टाइफंड रहता है नॉर्मली कंपनीज में। ठीक है, फर्म में जाओगे तो आई एम नॉट श्योर, 8,000 to 10,000 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द पोजिशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी अ गुड करियर मूव। यस फॉर मी ऑब्वियसली यस। देखो क्यों मैं हाँ बोल रही हूँ पता है, क्योंकि ये जो कंपनी है ना, दे आई एम नॉट लाइक किसी की बुराई नहीं कर रही, बट काफ़ी सारे दूसरे कोर्सेज है। फॉर एग्जाम्पल CA, मेरे फ्रेंड है जो CA है, हर एक जो भी CA है सब यही बोलता है, जो मेरी कंपनी में भी CA है वो भी यही बोलते हैं, उनको रात के 10-10 बजे तक ऑफिस में बैठना पड़ता है, वो भी डेली। ठीक है, डेली उनको इतना काम रहता है, उनका लाइक कुछ पर्सनल लाइफ ज़्यादा रहता नहीं है, तो बहुत वर्कलोड रहता है उन लोगों को। बट जबकि CS का मेजोरिटी ऑफ CS इंक्लूडिंग मी, मेरा एक प्रॉपर टाइम है, मैं इतने बजे 7 बजे तक घर पे आ ही जाती हूँ एंड हमारा रिलैक्स काम रहता है। मीटिंग वीटिंग के टाइम पे थोड़ा वर्कलोड होता है नो डाउट, बट वो मैनेजेबल होता है, तो हम वर्क लाइफ बैलेंस इजीली कर सकते हैं। इसलिए मुझे ये करियर अच्छा लगा, जहाँ पे मैं इंडिपेंडेंट भी हूँ, मुझे अच्छी खासी सैलरी भी मिल रही है, प्लस मैं मेरे फैमिली को, मेरे रिलेशंस को टाइम दे पा रही हूँ। सो इसलिए मुझे ये करियर मूव अच्छा लगा। एंड सेकेंड चीज़ ये है कि अगर आपको कम्युनिकेशन करना बहुत पसंद है, आपको ईजी लाइफ चाहिए, स्मूथ लाइफ चाहिए, CS के लिए आपको जाना चाहिए, बिकॉज ये आपको वो देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, दैट इज डज कंपनी सेक्रेटरी कोर्स इंक्लूड मैथ्स।
सो यस, कुछ हद तक सीएसईटी में, देखो हमारा फाउंडेशन हुआ करता था, सीएसईटी नहीं था तभी, हमको स्टैटिस्टिक्स करके था, वो भी थोड़ा सा ही था. आई एम नॉट श्योर अबाउट सीएसईटी, बट यस सीएस फाउंडेशन में तो हुआ करता था. बाकी एग्जीक्यूटिव लेवल और प्रोफेशनल लेवल में मैथ्स नहीं होता है, अकाउंट्स होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड यू सिलेक्ट कंपनी सेक्रेटरी एज अ प्रोफेशन? ओके, सो आई लाइक मैंने अपने स्टोरी में बताया होगा कि जो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स था वो मुझे मेरी सिस की फ्रेंड ने सजेस्ट किया था. एंड मैंने ये इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि मुझे ये मेरे इंटरेस्ट के साथ मैच किया. लाइक मुझे कम्युनिकेशन करना पसंद है, वो इस कोर्स में था. मुझे लॉ पसंद है और वो भी क्रिमिनल नहीं, कंपनी लॉ, तो वो कंपनी लॉ इस कोर्स में था. एंड बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो मुझे अच्छे लगते थे, अकाउंट्स पसंद था वो भी था इस कोर्स में, एंड इसका जो मेरे दोस्त भी कर रहे थे ये कोर्स साथ ही साथ, तो बहुत सारे फैक्टर्स मैच हो गए, इसलिए मैंने ये कोर्स में एंट्री मार ली. ठीक है, एंट्री मारते टाइम तो ऐसे ही एंट्री मार ली कि चलो ट्राई करते, बट धीरे धीरे मैच हो गया इंटरेस्ट, सो दैट्स व्हाई आई सिलेक्टेड दिस कोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रोल्स ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी? ये भी बहुत बार पूछा गया है मुझसे, अपार्ट फ्रॉम कोरा भी मुझसे बहुत बार पूछा गया है. सो बेसिकली रोल ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी ये होता है कि आप एक मीडिएटर हो, ठीक है, बिटवीन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, बिटवीन द कंपनी एंड द आरओसी. आप फॉर्म्स फाइल करते हो, है ना, तो वो मीडिएटर हो गया आप कंपनी और आरओसी के बीच में. आप बोर्ड मीटिंग्स लगाते हो, आपके बिना मीटिंग्स नहीं होगी बिकॉज आप ही एजेंडा वगैरह भेजते हो. काफी सारे फॉर्म्स में कंपनी सेक्रेटरीज का साइन चाहिए होता है, दैट्स व्हाई लाइक साइन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कंपनी सेक्रेटरी, उसके बिना नहीं हो पाएगा. एंड बड़े बड़े इवेंट्स में, जैसे अगर आप पब्लिक करना चाहते हो, मर्जर मार्गमेशन चाहते हो, कंपनी सेक्रेटरी मस्ट होती है. ये सब में हमारा रोल होता है, मेजर रोल, कंप्लाइंस होता है, कंपनी का कंप्लाइंस चेक करना, कंपनी का सेक्रेटरियल पार्ट चेक करना. सो क्या बोलते हैं, एक्सपोजर तो काफी वास्ट है एंड रोल्स भी काफी सारे हैं, बट अगर आप एक एक करके रोल्स समझ गए तो सब कुछ इंटरकनेक्टेड होता है. तो मैंने इन शॉर्ट बताया है रोल्स, क्योंकि और भी क्वेश्चंस है, इस पर चाहिए तो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट क्वालिटीज कैरेक्टराइज अ ग्रेट कंपनी सेक्रेटरी? वेरी गुड क्वेश्चन, मुझे आज क्वेश्चन अच्छा लगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली कम्युनिकेटर, आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है क्योंकि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ कम्युनिकेट करोगे, आरओसी के साथ कम्युनिकेट करोगे, मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट करोगे. योर इंग्लिश शुड बी प्रॉपर एंड योर इंग्लिश शुड बी गुड, बिकॉज इंग्लिश में कम्युनिकेट करोगे ज्यादा अच्छा लगता है, हिंदी में नहीं करना चाहिए कम्युनिकेट. सेकेंड चीज ये है कि आपको कंप्यूटर स्किल्स आने चाहिए यार, मतलब बेसिक स्किल्स लाइक एक्सेल का हो गया, वर्ड हो गया, अडोब पीडीएफ हो गया, पीपीटीज हो गया, ये सब में माहिर होने चाहिए, हमको ये सब बहुत काम आता है. सेकेंड कैरेक्टर ये हो जाएगा कि डिसीजंस, क्विक डिसीजंस, अगर हमसे गलती से नॉन कंप्लायंस हो गया कंपनी में तो अब हम क्या करें, आरओसी में कंपाउंड करें कि क्या करें, दैट हैज टू बी क्विक बिकॉज टाइम लिमिट्स होती है, तो क्विक डिसीजन भी हमें लेना चाहिए, इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहिए. सो दीज आर सम क्वालिटीज जो एक कंपनी सेक्रेटरी में होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनी सेक्रेटरी? बहुत सारे हैं, ठीक है, जहां तो मुझे पता है मेरे जो भी सर्कल में है वो लोग या तो जॉब कर रहे हैं, उसमें भी अच्छा खासा इनकम हो जाता है, या तो उन्होंने खुद का फर्म ओपन करा हुआ है पीसीएस, उसमें भी अच्छा खासा इनकम हो जाता है, या तो वो लोग टीचिंग लाइन में चले गए हैं, ठीक है, टीचर्स बन गए हैं. मेरी तरह कोई कोई यूट्यूब भी चला रहा है तो यूट्यूब से भी थोड़ी बहुत इनकम हो जाती है. काफी सारे लोग ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड वैल्यूएबल है, आईबीसी के अंदर काम कर रहे हैं. सो दीज आर सम करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनी सेक्रेटरी कोर्स. नेक्स्ट इज एंड माय मोस्ट फेवरेट वन, व्हाट इज योर कंपनी सेक्रेटरी सक्सेस जर्नी? मैं तो सोची थी यार इस पे एक अलग ही वीडियो बनाती हूँ, सक्सेस जर्नी तो नहीं पता, बट जो जर्नी थी वो अमेजिंग थी. सक्सेस में ही बोल सकती हूँ कि मुझे तीनों स्टडीज में रैंक आई है, ठीक है, तो वो बहुत फायदा देता है मुझे. मुझे बहुत इजीली, मैं जो कंपनी में रेज्यूमे डालती हूँ मुझे इजीली रिप्लाई आ जाती है बिकॉज मेरे रेज्यूमे में रैंक होता है. और सक्सेस जर्नी में ये हो जाएगा कि मैं इंडिपेंडेंट बनी हूँ सीएस के बाद, एक अच्छा रिस्पेक्ट मुझे सोसाइटी से मिलता है सीएस बनने के बाद. सो यस, दिस विल बी माई सक्सेस जर्नी, कि मेरे मम्मी पापा खुश हैं, मैं खुश हूँ, मैं वो लाइफ जी पा रही हूँ जो मैं सोचती थी, जस्ट बिकॉज ऑफ सीएस. नेक्स्ट इज, डज अ कंपनी सेक्रेटरी हैव नो वैल्यू नाउ? यार ऐसे कैसे कोई स्टेटमेंट या क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंपनी सेक्रेटरी की अभी वैल्यू है कि नहीं. काफी सारे मार्केट में स्टॉक्स शेयर्स ऐसे होते हैं जिसकी वैल्यू जीरो हो जाती है और दूसरे दिन उठ जाती है,
फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। काफी सारे आपके पहचान में ऐसे होंगे जो गुड टीचर्स होंगे, बहुत बढ़िया टीचर्स होंगे, कोई होंगे जो बहुत खराब सिखाता है, बुरे टीचर्स होंगे। सिमिलरली सीएस में भी होता है, कोई होंगे जो अच्छे कंपनी सेक्रेटरीज होंगे, क्यों? क्योंकि वो अच्छा काम करते हैं। कोई होंगे जो नहीं होंगे इतने अच्छे कंपनी सेक्रेटरीज, बिकॉज वो लोग इतना अच्छा काम नहीं करते। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आप किसके मुंह से सुन रहे हो। अगर आप मुझसे सुनो तो कंपनी सेक्रेटरी में बढ़िया डिमांड है, ठीक है, लगातार मेरे को तो ग्रुप्स में वैकेंसीज आती रहती है सीएस ट्रेनी की। मेरे आसपास इतने सारे हैं जो मुझे बोल रहे हैं कि यार सीएस ट्रेनी ढूंढ के दो, उनको सीएस ट्रेनी चाहिए। तो डिमांड तो है, सीएस फ्रेशर चाहिए, डिमांड तो है, बहुत अच्छी खासी डिमांड है, बस आपको ढूंढना आना चाहिए। सो यस गाइस, दीज वर सम क्वेश्चंस जो मैंने कोरा पे सर्च किए एंड जिसके मैंने आंसर्स दिए और जो मुझे लगा कि आपको जाना जरूरी है, बिकॉज ऑब्वियसली इट वॉज अबाउट कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल होगा। विल मीट सून, बाय, बेस्ट ऑफ लक।